हर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज क्लास 12 फिजिक्स का एक पेस्ट्री क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ सॉल्व करने की ट्राई करो। ओके, सो लेट्स चेक दैट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एसी वोल्टेज इंटू डीसी वोल्टेज, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस वो काम करके देता है वो है रेक्टिफायर। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड रिवील दैट व्हेन पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस में है तो लो रेजिस्टेंस रहता है, और रिवर्स बायस होता है तो ऑफर हाई रेजिस्टेंस। तो ये सारी थियोरेटिकल बातें आपने पढ़ रखी होगी। ओके, तो हेंस अ पी एन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, वो करंट को कंडक्ट नहीं करता, राइट? तो माइक्रो एम्पियर में रिवर्स बायस में जाता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर करंट होता है, राइट? दिस प्रॉपर्टी ऑफ पी एन जंक्शन डायोड मेक इट सुटेबल फॉर इट्स यूज एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में ये चीज काम आती है। दस व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन, इट कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग दोज ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स फॉर विच इट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है? रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज ओनली हाफ साइकिल, तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जब दोनों साइकिल में वो करता है, ओके, तो उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर के बारे में बात की है, हाफ वेव फुल वेव, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, राइट? वो एमसीक्यूज देखते हैं केस स्टडी के। पहला वाला क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड। तो अप्लाइड यानी ये इनपुट हो गया, ओके, और फुल वेव इज सी वी नॉट बाय √2। देन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, तो वो आउटपुट वोल्टेज सेम रहता है, तो ये होगा वी नॉट बाय √2, उसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट? फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है, वोल्टेज वही के वही मिलता है इसमें, राइट? तो पहले का आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोस फॉर, तो हर डायोड में, डायोड जो है रेक्टिफायर में वो अल्टरनेट काम करते हैं, जो D1 और D2 डायोड रहते हैं, ओके। जब D1 एक्टिवेट होता है फुल यू कैन से फॉरवर्ड बायस में होता है, तो D2 रिवर्स बायस में रहता है, और तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स होता है, जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, तो दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं, एक साथ नहीं करते, ऑल्टरनेट काम होता है इसका, ओके। तो इसलिए वी कैन से कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही है। दोनों हाफ साइकिल में काम करते हैं, पहले हाफ में D1 ने किया, दूसरे हाफ में D2 ने किया। तो जैसे कि ऐसे इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है, ये इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे D1 काम करता है, ये D2 काम करता है, और दोनों मिला के आउटपुट है वो हमको एक जैसा ही देते हैं, राइट? इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है, तो ये D1 का आउटपुट हो गया, ये D2 का हो गया, दिस इज द आउटपुट हाउ वी गेट, राइट? तो क्वेश्चन 3 अभी देखते हैं इसमें क्या है एमसीक्यू। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस एट सेम टाइम, जो गलत बात है, बोथ आर रिवर्स बायस, नहीं, वन इज फॉरवर्ड बायस अदर इज रिवर्स बायस, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। और क्वेश्चन 4 जो है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, देखो यहाँ पे हाफ वेव है, फुल वेव से हाफ वेव में आ गए, देन रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट विल बी 50 ओनली, ठीक है? अगर फुल वेव सॉरी यस फुल वेव होता तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, हाफ वेव में वो डबल नहीं होती, सेम फ्रीक्वेंसी मिलती है, राइट? तो हाफ वेव में अगर मान लो कि ये अगर हाफ वेव होता, यहाँ पे ये फुल वेव है, तो हाफ वेव में आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनाया आप लोगों ने सीखा होगा, राइट? तो वो ऐसे ऑल्टरनेट मिलता है, मान लो कि यहाँ पे दो साइकिल है तो वो ऐसे ऑल्टरनेट मिलता है, राइट? एक यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, लाइक दिस। उसमें अगर पूरे एक टाइम पीरियड में कंसिडर करें तो सेम ही फ्रिक्वेंसी रहती है, क्लियर है? तो फ्रिक्वेंसी रिमेन्स 50 ओनली इन हाफ
वेव, अगर फुल वेव पूछा होता तो मार्क 100 करना रहता, और अगर ये सवाल ना करना हो तो दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है। ओके तो नीचे वाला सवाल देखते हैं। सिग्नल एज शोन इन फिगर इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड, आइडेंटिफाई आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL। तो यहाँ पे जब -5 वोल्ट रहेगा तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस मोड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है रिवर्स बायस है, इसके आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। यहाँ पे जब आएगा तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में 5 वोल्ट हमें मिलेगा, 5 वोल्ट। फिर वापस यहाँ पे रिवर्स बायस में 0 वोल्ट मिलेगा। ओके तो ऑप्शन डी इज द राइट वन, यहाँ पे 0 है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, और ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है। ठीक है तो ये वैसे तो इजी सवाल था, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं था। इफ़ यू आर हैविंग द क्लियर कंसेप्ट ऑफ रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस एंड रेक्टिफायर तो ये सवाल मुश्किल नहीं था। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।